आज इतना कुछ हो गया पर मैंने एक शब्द तक नहीं कहा। माही की आंखें तो मुझसे सवाल पूछ रही थी पर कोई जवाब नहीं दे पाई मैं। उसे बहुत बुरा लगा होगा, मैंने वादा करके पूरा नहीं किया और इस बात के लिए उससे माफी भी नहीं मांगी। कल जाकर माही से जरूर मिलूंगी, इस बात के लिए माफी मांगूंगी। सोनी, क्या वो सोनी तुम उठ क्यों गई? कुछ नहीं, वो पानी पीने जा रही थी। अच्छा ठीक है, जल्दी सो जाना। जीत मुझे माही से नहीं मिलने जाने देगा, कल मुझे उसे बिना बताए ही जाना होगा। सत श्री अकाल मम्मी जी। सत श्री अकाल बेटा। क्या देख रही थी आप? बेटा, पटेला जाने से पहले सोनी को मिलने का बड़ा दिल कर रहा था। अब कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लूंगी। आप आज जा रही है तो ठीक तो है ना बेटा? ठीक हो जाऊंगी मम्मी जी। मैं जानती हूँ सोनी ने तुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना। सोनी ने जो कुछ भी किया मेरे मन में उसके लिए कोई रंजिश नहीं, बस एक शिकायत है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, अपने परिवार के दबाव में आकर उसने ये सब किया, खासकर जीत के। चलो मुझे इस बात की खुशी है, दुख में भी मेरी बेटियों ने जीना सीख लिया है। बस ये शिकायत दूरी का कारण नहीं बनना चाहिए। नहीं मम्मी जी, ये शिकायत कभी दूर नहीं होगी। मम्मी जी मेरी समझ में नहीं आता, अगर सोनी को इप्सिता को नहीं लौटाना था तो मुझे फोन करके कह देती, इस तरह वहां बुलाकर शब्द की बेइज्जती क्यों की उसने? इशाना जग गई है, मैं देख कर आती। हेलो मम्मी जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा, तूने माही के लिए फोन किया ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूँ कि माही बहुत खफा है, मैं उससे बात करना चाहती थी। हाँ एक मिनट, मैं भी बुलाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मत बुलाइए, मैं उससे आमने सामने बात करना चाहती हूँ। आप उसे मंदिर ले आइए, ठीक है? ठीक है। और हाँ मम्मी जी, माही को मत बताना कि मैं वहाँ आ रही हूँ, शायद उसे कोई झिझक हो और वो ना आए। हम वहीं पर मिलके बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, सत श्री अकाल। किससे बात कर रही थी मम्मी जी? बेटा, पटियाला सितार्थ जी का फोन था, पूछ रहे थे मैं यहाँ से कब निकल रही हूँ। बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गई, कैसे है दार जी और मम्मी जी? अब ठीक है। उन्हें मेरी याद देना। माही, मैं सोच रही थी पटियाला जाने से पहले चलो ना मंदिर होते हैं, बहुत दिन हुए दर्शन किए हुए। मंदिर? लेकिन आज तो आपको पटियाला जाना है ना। पटियाला तो मुझे शाम को जाना है ना बेटा, मंदिर अब चलते हैं। ठीक है, मैं काम करती हूँ, इशाना को ताई जी के पास छोड़ कर आती। सोनी, तुमने वो पेपर्स अलमारी में रख दिया ना? जी। अच्छा तुम इप्सिता को लेकर कहाँ जा रही? वो मैं इप्सिता को लेकर मंदिर जा रही थी। इतनी जल्दी जा रही हो बेटा, तुम तो देरी से जाती हो ना। वो इप्सिता जल्दी उठ गई और सारा काम भी हो गया था, इसलिए सोचा अभी जाती हूँ। That's all right. जीत पुत्र, इस घर में मुझे जो दिखाई दे रहा पुत्र, मैं उससे मुंह तो नहीं मोड़ सकती ना। क्या हो रहा मामा? सोनी इतनी सीधी है पुत्र,
देख लेना, इस माई की बच्ची ने ना फिर से उसे इमोशनल करके ना अपने हाथों की कट पुतली बना लेना। हमें माई पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए पुत्र। वो तो मैंने बहुत पहले करना ही छोड़ दिया था मम्मा। उनकी नीयत तो मुझे उस पार्टी में ही पता चल गई। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। पुत्र, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने बिजनेस में बिजी है ना, जाके अपने बिजनेस पर ध्यान दे। ये बात मुझ पर छोड़ दी, मैं देखती हूँ इसे। ठीक है मम्मा। आओ जी आओ। और जी ये है पटियाला का सबसे बेस्ट कैफे। बैठो बैठो बैठो। ये है बेस्ट। हाउ बोरिंग सुखी, ये कैफे नहीं किसी ऑफिस की कैंटीन लग रही है। कोई हैपनिंग जगह नहीं है यहाँ पे। पैसे वाले और रिच लोग दिन में कहाँ जाते हैं? आई मीन क्लासी और पढ़े लिखे लोग। वरना सुना है यहाँ पे जिनके पास जितनी ज्यादा जमीन है उन्हें रिच कहते हैं। इज़न्ट इट फनी, यहाँ पे गवार लोग डिग्री नहीं गाय भैंसे रखना पसंद करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास 3 गाय हैं तो तुम्हारे पास 3 डिग्रियाँ हुई। ओ जी बढ़िया जोक है जी। ओ जी मेरा ना एक दोस्त है, बड़ा पैसे वाला है जी, उसके पास 50 भैंसे हैं। ओ जी आपके लॉजिक से वो तो स्कूल का हेडमास्टर बन गया जी। दैट्स अ गुड जोक। तो बताओ सुखी, यहाँ पे ऐसी कोई जगह है? मुझे यहाँ तो ओह सॉरी, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम खुद भी तो बफेलो गाय हो ना। लेकिन सैम, तुम जैसा बाकी लोगों को समझते हो वो वैसा नहीं है। मे बी, कम ऑन कुछ ऑर्डर करते हैं। ओह यहाँ का मेनू भी। सैम तुम्हें यहाँ पे मेनू देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ की लस्सी बहुत ही अच्छी है, वो भी मलाई मार के। ओए होए, व्हाट आर यू सेइंग, आर यू मैड? तुम बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम यहाँ पे गवारों के साथ रहकर गवार हो गई हो? और छोड़ो जी, तुसी भी क्या फालतू की बातें लेके बैठ गए? जी एक बढ़िया आइडिया आया है पिक्चर का। यहाँ पास ही काली देवी मंदिर के बाजू में एक नया मॉल खुला है जी, वहाँ के सिनेमा में एक बड़ी अच्छी रोमांटिक मूवी लगी है जी, क्या ख्याल है? सिनेमा? थिएटर जी, थिएटर। That's a brilliant idea, Sukhi. Hey Tina, let's go. Thank you, Sukhi. शाम को मिलते हैं। Bye bye. Sam, what bye? Sukhi भी तो हमारे साथ मूवी आ रहा है ना? नहीं जी, मैं तो वो पोलाइटनेस में खड़ा हो गया जी। जी आपको तो पता है इतना सारा काम है और मैं पिक्चर देखने चला गया तो माते ने तो मेरी छुट्टी कर देनी। सी नाउ कम ऑन लेट्स मूव। माई और मम्मी जी आते ही होंगे, मैं यही उनका इंतजार करती हूँ। अच्छा, मतलब सोनी अपनी बहन के आने का इंतजार कर रही है। जो मैंने सोचा था वही हो रहा है, ये मैं और नहीं चलने दे सकती। पर ना ये लोग तो हमारी किस्मत, हमारा नसीब इप्सिता को हमसे छीन कर ले जाएंगी। मुझे ऐसा करने से रोकना होगा, पर कैसे? सोनी को माही की इतनी परवाह है और माही भी सोनी पर इतना भरोसा करती है, इसमें मैं अपना रास्ता कैसे निकालूं?
सोनी पुत्र तू इत्थे? मम्मी जी आप मैं पुत्र अपनी सहेली के यहाँ जा रही थी ना, तो रास्ते में माता जी का मंदिर देखा, सोचा उनके दर्शन करती चलूं। मतलब मुझ पर नजर रखने आई है कि मैं माही से मिलती हूँ या नहीं। मुझे किसी भी तरह माही को यहाँ आने से रोकना होगा। क्या सोच रही है सोनी पुत्र? कुछ नहीं मम्मी जी, वो ओढ़नी लाना भूल गई, मैं लेके आती हूँ। इसे मुझे दे जा पुत्र, तू जा 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 ओढ़नी ले। पर मैं मम्मी जी या माही को फोन कैसे करूंगी? हम उनके पास तो मोबाइल भी नहीं है। मतलब मेरा शक सही था, ये सही वक्त है सोनी और माही के विश्वास के बीच दरार पैदा करने का। मम्मी जी, उपचिता यहाँ अकेली? अब आया है सही मौका सोनी के सामने माही को नीचे गिराने का। इसका मतलब सोनी यहीं कहीं होगी। हमारी बच्ची को चुरा कर लेके जा रहे हैं, देखो। अरे देखो देखो, ये दोनों हमारी बच्ची को चुरा कर लेकर चली जा रही थी। इन्होंने मेरी बच्ची को उठा लिया, ये चुरा कर भाग रही है मेरी बच्ची को, देखिए देखिए। वो तो मैंने दूर से देख लिया, इन्होंने चुरा लिया मेरी बच्ची को। आप गलत समझ रही है। अरे क्या गलत समझ रही हूँ मैं? हाँ, अब चोरी पकड़ी गई तो यही कहोगे ना कि तुम हमारी बच्ची को खिला रही थी। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, इन दोनों ने चुपके से मेरी बच्ची को उठाया, इधर उधर देखा कहीं हम आसपास तो नहीं है, बस बच्ची को लेकर ये भाग जा रही थी। दुर्गा बहन जी, बच्ची अकेली थी और रो रही थी, हम तो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, हम लेकर थोड़ी भाग रहे थे उसे। अच्छा अगर ये बात सच भी है तो तुम दोनों उसी वक्त मंदिर क्यों आई जब हम दोनों का आना हुआ? आंटी जी ये सब एक इत्तेफाक था। ये इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी चाल है। अरे हम पर कब से नजर रखी जा रही थी कि हम एक पल के लिए उधर हो और ये बच्ची को उठाकर भाग जाए। अब आप ही लोग बताओ, ये इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं जी, ये तो सोची समझी साजिश है, ऐसे लोग बच्चा चुरा कर बेच देते हैं। अरे कम से कम तुम तो इस उम्र में ये सब नाटक ना करो। बस दुर्गा बहन जी, यहाँ आना कोई इत्तेफाक या आप पर नजर रखना नहीं था। हम तो यहाँ इसलिए आए कि सुनी ने फोन करके यहाँ पर बुलाया था। सोनी ने हमें यहाँ बुलाया था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लो जी सुनो, चोरी से बचने का एक और बहाना। अरे बच्ची रो रही थी इसलिए। शर्म नहीं आती इस उम्र में झूठ बोलते हुए? ये कहानियां बनाने बंद कीजिए आप। दुर्गा बहन जी, ये कोई कहानी नहीं है, आप सोनी से पूछिए ना। सोनी कुछ बोलना बेटा, चुप क्यों है तू? मम्मी जी सच कह रही है। अरे तो सोने पुत्र, मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ पुत्र, मैंने अपनी आंखों से देखा, इन दोनों ने बच्ची को उठाया और लेकर भाग रही थी। अब भला माँ के मंदिर में खड़ी होकर मैं झूठी कहानी बनाऊंगी? हाँ अजी, कुछ दिन पहले इस औरत से अपनी बच्ची को मांगा था और हमने देने से इनकार कर दिया था। क्या सचमुच इसने आपसे इस बच्ची को मांगा था? अजी थोड़े दिन पहले ये और इसका पति आए थे हमारी चौखट पर, इसको लेने के लिए करोड़ों की जायदाद की है ना हमने इसके नाम पर, और जाहिर है कि हमने मना कर दिया। अब ये रास्ता अपनाया इन्होंने हमारी बच्ची को चुराने का। आप एक औरत हो के ऐसी हरकत करती हैं, आपको शर्म नहीं आई?
अरे भाइयों, आपने आज तक ऐसे सुना किसी की बच्ची को ऐसे मांगते हुए? अरे पागल है पागल, ये तो चालू है चालू। ऐसे लोग बड़े लालची होते। अरे भाई, लालच की तो हद हो गई। ये तो घोर कलयुग है कलयुग। क्या कोई माँ अपनी बेटी को ऐसी बातें सिखाती है? चल चल सोनी पुत्र, तू यहाँ से चल। अब मैं ना तुम्हें इनके जाल में और नहीं फंसने दूंगी। चल चुपचाप यहाँ से चल। अरे शुक्र मनाओ, हमने पुलिस को नहीं बुलाया। अरे ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। मेरी बच्ची थी, मेरी अपनी बच्ची। अरे चलो भाई चलो, छी